आ गया। तमिल समझ में नहीं आई पर फिल्म का हर सीन हर फ्रेम समझ में आया। और जो कुछ रिव्यूअर्स बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है और सेकंड हाफ बोरिंग है, उनकी बात मत सुनो, क्योंकि इस फिल्म को थिएटर में नहीं देखा ना तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा यार। और जहां तक रही पैसा वसूल की बात, तो मेरी सेटिस्फेक्शन तो फिल्म के फर्स्ट 30 से 40 मिनट्स में ही हो गई। मेरे वीडियोस तो वैसे भी काफी कम लोग देखते हैं, पर जो भी देख रहे हैं मेरा रिव्यू या किसी और का रिव्यू सब छोड़ो यार, और फटाफट थिएटर में निकल लो और वीडियो देख डालो। और अगर मजा ना आए तो कमेंट्स में जितनी गाली देनी है ना भाई दे देना। और लियो देखने से पहले ये 3 इम्पोर्टेंट फिल्म्स देख लोगे तो लियो का मजा ही अलग आएगा। पहली 2 फिल्म्स हैं कैथी और विक्रम, क्योंकि ये दोनों फिल्म्स देखने के बाद ही आपको लोकेश का सिनेमैटिक यूनिवर्स समझ आएगा। पर थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म है हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, क्योंकि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सेम स्टोरी सेम कैरेक्टर्स को 2 डिफरेंट डायरेक्टर्स कितने डिफरेंटली ट्रीट करते हैं और लोकेश की डायरेक्शन का लेवल कितना हाई है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिल्म के बारे में विदाउट स्पॉयलर्स कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। विजय का इंट्रो हाइना के सीन से होता है और मुझे पर्सनली ये सीन बहुत रियल लगा और मुझे बहुत मजा आया। ये सीन बहुत स्ट्रॉन्गली लियो के कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करता है। इस सीन से क्लियर हो जाता है कि लियो की पावर लाइन वाली है पर वो दिल से काफ़ी केयरिंग एंड इमोशनल है। और पूरी फिल्म में लियो के कैरेक्टर में यही शेड देखने को मिलता है। लियो के फर्स्ट हाफ में जबरदस्त स्क्रीन प्ले है, वायलेंट एक्शन है और बेस्ट पार्ट ये है कि सारा एक्शन इमोशन से ड्रिवन है, तो एक्शन का मजा भी डबल हो जाता है। और टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म इज ऑल अबाउट प्रतिबंध और थलापति विजय ने एक्शन और इमोशन दोनों पर जबरदस्त कंट्रोल दिखाया है। पर सेकेंड हाफ में फिल्म में काफी कैरेक्टर्स आ जाते हैं, वहाँ से लियो के कैरेक्टर की भी काफी लेयर्स ओपन होने लगती है। सेकेंड हाफ नो डाउट फर्स्ट हाफ जितना एक्साइटिंग नहीं है पर बोरिंग भी नहीं है। काफी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां बहुत मजा आएगा। और भाई वो एक फैक्ट्री के अंदर का एक्शन सीक्वेंस है ना, वो देखकर तो दिमाग घूम जाएगा। मतलब यार समझ में नहीं आता कि कैमरा कहां से कहां घूम रहा है। बहुत ही शानदार सीन है यार, बहुत ही शानदार। ये लियो की लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंट्री है, तो इस फिल्म में लियो के कैरेक्टर का ओरिजिन दिखाना काफी इंपॉर्टेंट था, जो लोकेश ने काफी अच्छे से दिखाया है। संजय दत्त एज एंटनी दास, अर्जुन एज हेरल दास सेकंड हाफ में काफी अच्छे लगे हैं। उनका कैरेक्टर थोड़ा और स्ट्रांग होता तो अच्छा लगता, पर प्रॉब्लम यह है कि फिर फिल्म की लेंथ बढ़ जाती। त्रिशा, गौतम, जॉर्ज, मैथ्यू थॉमस, अर्जुन दास सब ने जबरदस्त एक्टिंग की है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। फिल्म में कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अनिरुद्ध का BGM लाजवाब है, पर मुझे थोड़ा ये लगा कि अनिरुद्ध का म्यूजिक काफी जगह पर फिल्म को ओवरपावर कर गया, क्योंकि फिल्म में BGM कंटिन्यूसली चलता रहता है, जो मुझे पर्सनली थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगा। VFX बेटर हो सकता था, पर लोकेश की डायरेक्शन ने ये ज्यादा फील नहीं होने दिया। क्लाइमेक्स थोड़ा ड्रैग था, तो 10 से 15 मिनट कट हो